चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरी गागरिन के बारे में, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनको इसलिए याद किया जा रहा है कि मार्च के महीने में ही उनका जन्म हुआ था। साल 1961 की बात है, दिन था 12 अप्रैल और मॉस्को में सुबह के लगभग 9:30 बजे थे। पूरा सोवियत संघ सांस थामे एक टक आसमान की ओर देख रहा था, क्योंकि इसी दिन वोस्टोक 1 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था और वह भी किसी इंसान के साथ। वर्तमान समय में ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन 1961 में ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। इसके साथ ही यूरी गागरिन का नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया। यूरी 108 मिनट बाद धरती पर वापस लौटे थे, यानी कि 108 मिनट वो अंतरिक्ष में रहे थे। अगर बात करें यूरी गागरिन के बचपन की, तो 9 मार्च 1934 को ही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन का जन्म हुआ था। 1934 में रूस के क्लूशिनो गांव में जन्मे यूरी एलेक्सेविच गागरिन एक बढ़ई के बेटे थे। जब यूरी 6 साल के थे, तब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके घर पर एक नाजी अधिकारी ने कब्जा कर लिया था। उनके पूरे परिवार को 2 साल तक झोपड़ी में रहना पड़ा। नाजियों ने उनकी 2 बहनों को बंधुआ मजदूर बनाकर जर्मनी भेज दिया था। वह जब 16 वर्ष के हुए तो मॉस्को चले गए। वहां उन्हें सरातोव के टेक्निकल स्कूल में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन किया। यहीं से उनके मन में प्लेन में बैठकर आसमान छूने का सपना पलने लगा। 1955 में उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया। 1957 में ग्रेजुएशन पूरा कर यूरी एक फाइटर पायलट बन गए थे। 1957 में ही सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इसके बाद तय किया गया कि अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए पूरे देश से आवेदन मंगवाए गए। हजारों लोगों की कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा ली गई। आखिरकार 19 लोगों का चयन हुआ और यूरी गागरिन भी इन्हीं में से एक थे। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को सिर्फ 27 साल की उम्र में अंतरिक्ष यान वोस्टोक में बैठकर वाइकोनूर कोस्टोड्रोम से ऐसी जगह पर उड़ान भर रहे थे जहां उनसे पहले कभी कोई इंसान नहीं गया। यह स्पेस की रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस यानी कि उस समय के यूएसएसआर की जीत थी। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए उनके यान ने 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऐसा पहली बार मुमकिन हुआ और गागरिन अंतरिक्ष में पहुंच गए। एक मजेदार तथ्य यह भी है कि यूरी को इस अभियान के लिए उनकी कम हाइट के कारण चुना गया था। उनकी हाइट मात्र 5 फीट 2 इंच थी। इसके कारण वे अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। इसके बाद सोवियत रूस ने उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों में अघोषित राजदूत के रूप में भेजा। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ इससे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। हालांकि इसके महज 19 दिन बाद ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस यान से अंतरिक्ष में यूरी गए थे, उसमें बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतिहास बनाने के लिए गागरिन ने अदम्य बहादुरी दिखाते हुए खतरनाक चुनौती स्वीकार की थी। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। वे ऐसे यान से वहां जा रहे थे जिसमें किसी आपात स्थिति में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस रॉकेट से उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था, वह पहले कई बार नाकाम हो चुका था। असल में गागरिन को ऐसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था जिससे कई सवालों के जवाब मिलने थे, जैसे कि क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, क्या अंतरिक्ष यान से यात्रा की जा सकती है, क्या अंतरिक्ष यान का पृथ्वी से संपर्क बना रहेगा जो प्रभावी भी हो, क्या अंतरिक्ष यान की सुरक्षित वापसी हो पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब खोजे जाने थे। इस यात्रा में इन सभी सवालों के जवाब मिल गए। इस मिशन के 50 साल बाद रॉकेट्स एंड पीपल नामक किताब में इंजीनियर बोरिस चेरटॉक ने लिखा कि अगर वोस्टोक अंतरिक्ष यान को आज के वैज्ञानिकों के सामने रखा जाए तो कोई भी इस मिशन के पक्ष में नहीं होगा। उस वक्त मैंने ही उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें लिखा था कि यान में सब ठीक है और मैं इस मिशन के सुरक्षित होने की गारंटी देता हूँ। आज की तारीख में मैं यह कभी नहीं करता। हमने इसमें कितना जोखिम लिया है उसका पता मुझे काफी अनुभव के बाद चला। गागरिन के अगर मृत्यु की बात की जाए तो अंतरिक्ष से लौटने के बाद गागरिन दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने में लग गए थे और 27 मार्च
68 को ऐसी ही एक ट्रेनिंग के सत्र के दौरान उनका MiG-15 जहाज हादसे का शिकार हो गया। हादसे में यूरी गागरिन और साथी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें सम्मान देने के लिए 1968 में उनके होम टाउन का नाम बदलकर गागरिन रख दिया गया। इसके साथ ही आज की पर्सनालिटी के बारे में हमारी सारी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.